यार, अगर आपको दिवाली पर साउथ दिल्ली के बुद्धिजीवियों से ज्ञान नहीं मिला तो क्या आपने घंटा दिवाली मनाई? हेलो हेलो, और श्याम शर्मा शो के इस एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मुझसे जुड़ने के लिए और आज के इस एपिसोड को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो शो में आगे बढ़ने के पहले, सबसे पहले आपको दिवाली की बहुत बहुत बधाई। मुझे आशा है कि आपकी दिवाली बहुत ही अच्छी हुई हो। तो जिस तरह सूरज ईस्ट में उठता है और वेस्ट में डूबता है, जिस तरह किसी भी पीसफुल टेरर अटैक का कोई रिलीजन नहीं होता, उसी तरह नियम से हर साल दिवाली जैसे हिंदू फेस्टिवल्स पे साउथ दिल्ली और साउथ मुंबई के जो बुद्धिजीवी हैं वो पूरे भारत को ज्ञान पिलते हैं कि भाई कैसे दिवाली मनानी चाहिए और कैसे दिवाली नहीं मनानी चाहिए। तो इस साल भी कोई डिफरेंस नहीं है। इस साल भी चाहे कंपनीज हो, चाहे स्पोर्ट्स स्टार हो, चाहे एक्टर हो, चाहे पॉलिटिशियन हो, सब आके भाई हिंदुस्तानी को ज्ञान दे रहे हैं कि भाई आपको दिवाली मनानी कैसे चाहिए। मतलब कसम से हर साल मैं ऐसे लोगों को देखता हूँ और हर साल मैं सोचता हूँ इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई, क्या तकलीफ है इनको। मतलब क्या तकलीफ है? क्या आपके घर में किसी ने बम लगा के रखा हुआ है और आपको बोला है कि अगर आप जाके हिंदुस्तानियों को ज्ञान नहीं देंगे कि उनको दिवाली कैसे मनानी चाहिए तो आपके घर में लगा हुआ बम फट जाएगा? मतलब क्या क्या खुजली है ये? इस खुजली के लिए कुछ लेते क्यों नहीं? हर साल एक ही गाना, पटाखे छोड़ दो, पटाखे छोड़ दो, पटाखे छोड़ दो। एक दिन आएगा जब वो कहेगा दुनिया ही छोड़ दो। तो सबसे पहले हमारे पास आते हैं हमारे इंडियन टीम के कप्तान साहब विराट कोहली जी। विराट कोहली जी ने दिवाली पे एक पूरा मैसेज डाला जिसपे उन्होंने कहा कि भाई दिवाली मनाइए लेकिन पटाखे मत छोड़िए क्योंकि जानवरों को बड़ी परेशानियां होती हैं। प्लीज रिमेंबर डू नॉट बर्स्ट क्रैकर्स, प्रोटेक्ट द एनवायरनमेंट एंड हैव फन एट होम विद योर लव्ड वंस विद अ सिंपल दिया। आपको तो याद होगा कि इनकी जो पत्नी है उनका भी यही मैसेज हुआ करता था कि भाई दिवाली पे सेलिब्रेट जरूर कीजिए लेकिन पटाखे मत जलाइए क्योंकि जानवरों को बड़ी परेशानियां होती हैं। Unfortunately, animals don't have a voice, so they cannot communicate with themselves. Diwali is a very, very, very difficult time for them. Help animals and birds by celebrating a noise-free and a pollution-free Diwali. सही बात है। दो घंटे पटाखे सुनने से जानवरों को बहुत परेशानियां होती हैं लेकिन ईद जैसे त्योहार पे जब लाखों जानवरों को बेरहमी से मार के खाया जाता है उस समय इनकी पत्नी जी को कोई टेंशन नहीं है। अरे भैया, प्रायोरिटी कहाँ है आप? ये तो वही बात हुई कि भाई हिंदू जो हैं वो कार्डी बी जैसे औरत के ऊपर नाराज हो रहे हैं क्योंकि उसने दुर्गा का पोज बनाया हुआ है लेकिन कश्मीर में इतने सालों से हिंदुओं के खिलाफ अत्याचार हो रहे हैं उसके ऊपर हिंदुओं का मुंह बंद रहता है। अरे आप लोग के प्रवचनों का कोई वैल्यू है? तो मैंने भी देखा कि भाई विराट कोहली जी जो हैं वो इस साल सबको ज्ञान दे रहे हैं कि दिवाली कैसे सेलिब्रेट करनी चाहिए लेकिन अपने बर्थडे के समय पर उन्होंने खूब पटाखे फोड़े, आईपीएल फाइनल के समय पर खूब पटाखे फूटे। भाई कुछ साल पहले उन्होंने एक दिवाली का एड बनाया था जिसमें पीछे उनके पटाखे फूट रहे थे। तो भाई इस साल ऐसा क्या हो गया? तो मुझे यही पता चला है कि भाई एक ही कारण हो सकता है कि दिवाली के समय जो पटाखे फोड़े जाते हैं उनसे बहुत पोल्यूशन फैलता है लेकिन दिवाली के पहले या दिवाली के बाद अगर आप पटाखे फोड़े तो उनसे पोल्यूशन नहीं फैलता, उससे तो एक्चुअली और ऑक्सीजन निकल के आता है। इसलिए yes, विराट कोहली जी अपने बर्थडे के समय पर और आईपीएल के समय पर पटाखे फोड़ रहे थे। तुम ये तमाशा बंद करो प्लीज। फिर आते हैं हमारे अक्षय कुमार जी। अक्षय कुमार जी ने भी एक फतवा रिलीज किया कि भैया आपको दिवाली कैसे मनानी चाहिए, कैसे नहीं मनानी चाहिए। ये वही अक्षय कुमार जी हैं जिन्होंने अभी हाल में ही लक्ष्मी नाम की एक मूवी रिलीज की थी जिसमें कि उन्होंने खूब बजाई है हिंदुओं की और उनके कल्चर की। इनकी मूवी में एक और सीन था जिसमें कि भाई हिंदू बाबा जो हैं वो एक नंबर के ढोंगी हैं, एक नंबर के पाखंडी हैं और अक्षय कुमार देखिए कैसे उनको एक्सपोज कर रहे हैं। कोशिश की तो ये वीडियो YouTube पे अपलोड कर दूंगा और तू जेल में डाउनलोड हो जाएगा, समझे? तो बॉलीवुड की ये पुरानी परंपरा है कि भाई जितने भी हिंदू साधु हैं, हिंदू बाबा हैं, सब बदमाश हैं, सब ठरकी हैं, सब एक नंबर के पाखंडी हैं। और अब बॉलीवुड में ये दिखा दिखा के हालत ये हो गई है कि असली जिंदगी में भी अब साधुओं पर अटैक हो रहे हैं इंडिया में। तो भाई हिंदू बाबा तो पाखंडी हैं लेकिन मुस्लिम बाबा के पास असली पावर है। परंतु इस बाधा का समाधान मेरे पास नहीं है, मुझे क्षमा करें। जय माता दी। पीर बाबा याद आया, शाहनवाज पीर बाबा, खुदा न खास्ता आपके पास है कोई रास्ता? फिलहाल तो मैं अजमेर शरीफ दरगाह में हूँ, दो दिन बाद लौटूंगा। अच्छा। पर आपकी सलामती के लिए अजमेर शरीफ से दुआ करता हूँ।
तो हमारे अक्षय कुमार जी कहते हैं कि भाई हिंदुओं को अपने सुपरस्टिशंस को छोड़ देना चाहिए, हिंदुओं को उल्टी सीधी चीजों में विश्वास करना छोड़ देना चाहिए, लेकिन यही अक्षय कुमार जी हैं जो मुसलमानों को कहते हैं कि भाई आप अपने अंधविश्वास में पूरी तरह से विश्वास रखो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसको बिल्कुल भी मत छोड़ना। मैं अपना मजहब बदल रहा हूँ। लेकिन इमरान, अलविदा कहने से दगा देने का एहसास तो नहीं मिटता ना। 26 साल का नाम, पहचान, मजहब उस माशूक के लिए छोड़ दिया जिसे 26 हफ्तों से जानते। तो इतना हिंदुओं को हिदायत और ज्ञान देने के बावजूद जब ईद की बात आती है तब ईद पे ज्ञान देने की कोई जरूरत नहीं है। ईद आपको भैया जैसी मनानी है आप मनाइए, कोई टेंशन नहीं है। आप लाखों जानवरों का बेरहमी से कत्लेआम कीजिए, सड़कों को जानवरों के खून से लाल कर दीजिए, ये सब चीजें मैटर नहीं करती है। मैटर क्या करता है कि भाई 2 घंटे जानवरों को पटाखे की आवाज नहीं आनी चाहिए बस। सबसे बड़े प्रॉब्लम तो यार ये एक्स्ट्रा सेक्युलर लोग हैं। सबसे बड़ा भूत तो यही है। फिर आया हमारा तनिष्क। तनिष्क ने सीरियसली कसम खा रखी है कि भैया इस साल हम अपना धंधा बैठा के ही मानेंगे। उन्होंने इंटरफेथ का वो एड निकाला था फालतू का, जो लोगों को पसंद नहीं आया। उसके बाद तनिष्क ने कहा नहीं नहीं नहीं, इतनी पिटाई से काम नहीं चलेगा, हमको अभी और पिटाई चाहिए। लगता है तनिष्क को SNM में बड़ा इंटरेस्ट है। तो फिर उन्होंने दिवाली पे एक और इसी तरह का एड निकाला जो सिर्फ एक कम्युनिटी को ज्ञान दे रहा है। Definitely no firecrackers, and I don't think anyone should light any firecrackers. But a lot of diyas, a lot of laughter, hopefully, and a lot of positivity. I'm not interested, yaar. मुझे सुनना ही नहीं है। नहीं ठीक है मैडम, आप दिवाली पे ही क्यों रुक गई? और ज्ञान दीजिए हमें ना, और क्या करना चाहिए बताइए, और हमें ज्ञान दीजिए ना कि भाई हम कितना खाएं, हम बाथरूम में कितनी देर जाएं, हम वहां पे पीछे धोएं कैसे, हम हाथ में साबुन कितना इस्तेमाल करें। और ज्ञान सिर्फ एक ही कम्युनिटी को, दूसरी कम्युनिटी को ज्ञान देते हुए इस तरह का एड नहीं बनाया जा सकता। कि भाई इतनी बेरहमी से इतने सारे जानवरों को मारना बिल्कुल बंद कीजिए, लाखों जानवर इतनी बुरी तरह से मारे जाते हैं सिर्फ धर्म के नाम पर, बहुत हो गया यार, प्लीज ईद पे जानवरों को मारना बंद करो। लेकिन ऐसा ऐड बनेगा नहीं, क्योंकि अगर ऐसा ऐड बन गया तो फिर क्या होगा? और यही तो बात है जो लोग बेसिक साइकोलॉजी के बारे में नहीं समझते हैं, कि अगर आप लोगों को जबरदस्ती डांटेंगे कि ये मत करो, ये मत करो, ये मत करो, तो लोगों को वही काम करने का और मन करेगा। खासकर अगर साउथ दिल्ली और साउथ मुंबई के जो बड़े बड़े बुद्धिजीवी हैं वो लोगों को कुछ चीजें करने से मना कर रहे हैं। और ऐसे भी लोग जो पटाखे फोड़ते हैं उसका अमाउंट पिछले कुछ सालों में ऐसे भी कम होता जा रहा है, और इसीलिए बैन भी काम नहीं करते। आपने देखा कि लोगों ने दिल्ली में पटाखों को बैन करने की कोशिश की, लेकिन क्या हुआ, लोग फिर भी पटाखे फोड़ रहे हैं। यूपी में भी पुलिस ने जबरदस्ती क्रैकर के सेल्स पर क्रैकडाउन करने की कोशिश की, उसका रिजल्ट क्या हुआ, फिर भी लोग पटाखे फोड़ रहे हैं यूपी में। बैन करने का रिजल्ट सिर्फ ये होगा कि लोग भैया पटाखे फिर भी फोड़ेंगे, लेकिन बस एक ब्लैक इकोनॉमी बन जाएगी कि जो पटाखे के जो पैसे हैं वो ऑनेस्ट बिजनेसमैन के पॉकेट में जाने के बजाय क्रिमिनल्स के पॉकेट में जाना शुरू करेंगे, और जो पटाखे हैं वो भी अनसेफ होंगे। तो इसलिए चीजों को बैन करने के बजाय हमको लोगों को इंसेंटिव्स देने चाहिए, क्योंकि इंसेंटिव्स काम करते हैं। फिर आते हैं हमारे भारत के सबसे सबसे ज्यादा सेक्युलर पॉलिटिशियन शशि थरूर जी। तो ये भारत के सबसे ज्यादा सेक्युलर पॉलिटिशियन क्यों है? क्योंकि ये अपना सेक्युलरिज्म अंग्रेजी में पेलते हैं। उन्होंने ट्वीट किया कि भाई सहर जमन ने दिवाली के लिए एक उर्दू नाम निकाला है, जश्न चिराग, वाह कितना खूबसूरत नाम है। ओ चाचा ऐसा है, हम भैया बहुत सालों से इंडियन हिस्टोरियंस को और बाहर वाले हिस्टोरियंस को अब जान गए हैं, ये लोग तो भैया औरंगजेब को भी गांधी बना देते हैं। माय बेस्ट फ्रेंड आई लव यू, माय बेस्ट फ्रेंड आई लव यू, माय बेस्ट फ्रेंड। यही लोग हैं जो क्लेम करते हैं कि भाई योगा का हिंदुइज्म से कुछ लेना देना ही नहीं है, योगा को तो बुद्ध ने ईजाद किया था, योगा तो बुद्धिज्म से आया है। फिर अब अमेरिका में लोग बोल रहे हैं कि भाई योगा तो बुद्धिज्म से भी नहीं, योगा तो जीसस से आया है, योगा तो पूरी तरह से क्रिश्चियन है। इसको कहा जाता है कल्चरल डाइजेस्टन। अब 10 साल के बाद यही हिस्टोरियंस हैं जो लोगों को शशि थरूर का ये ट्वीट दिखाएंगे और बोलेंगे कि भाई दिवाली तो हिंदू है ही नहीं, दिवाली तो मुगल अपने साथ लाए थे उज़्बेकिस्तान से, इसको तो जश्न चिराग बोला जाता था। तो भैया इस तरह की आइडियाज के दिमाग में मत डालो। और दूसरी बात, दिवाली से क्या तकलीफ है, दीपावली या दिवाली नाम में क्या प्रॉब्लम है, इसका नाम चेंज करने की क्या जरूरत है? अगर हम जबरदस्ती इस्लामिक त्योहारों के नाम चेंज करने की कोशिश करें तो क्या लोगों को पसंद आएंगे? अगर हम रमजान को राम दिवस बोलने की कोशिश करें तो क्या ये नाम लोगों को पसंद आएगा? फिर क्या होगा? आज़ी!
और अगर हम सोसाइटी में हार्मनी बनाने की कोशिश कर रहे हैं तो नाम को चेंज करने की क्या जरूरत है भाई। एक दूसरे के त्योहारों को एक्सेप्ट करो, एक दूसरे के त्योहारों को जैसे हैं वैसे मनाने की कोशिश करो। जबरदस्ती एक कम्युनिटी के त्योहार में उंगली करने की क्या जरूरत है। एक तरफ तो इंडियन है जो सारे हिंदुस्तानियों को लेक्चर दे रहे हैं कि भाई दिवाली कैसी मनानी चाहिए, और दूसरी तरफ बाहर वाले हैं जो दिवाली को एक्चुअली रिस्पेक्ट दे रहे हैं। Namaste and happy Diwali, everybody. Diwali holds a potent meaning for all of us. Because just as surely as Lord Rama defeated the demon king Ravana and brought his wife Sita home, and just as Diwali celebrates the victory of light over darkness, good over evil, and let the many millions of Diwali lights all over the world shine through the darkness as beacons of hope for a better future. We can focus on the truth found in Aloha and Namaste. The truth that we are all connected, all brothers and sisters worthy of each other's love, respect, and compassion. So as we celebrate Diwali, let us remember Lord Ramachandra, whose appearance in this world and example can serve as a guide to us all. I wish you all peace, joy, and comfort during these difficult times. Jai Lord Ramachandra. जय श्री कृष्ण। तो भैया हाथ जोड़ के मैं एक विनती करना चाहता हूँ हमारे साउथ दिल्ली और साउथ मुंबई के बुद्धिजीवियों से कि भाई लेक्चर देने से पोल्यूशन कम नहीं होगा। अगर आपको पोल्यूशन कम करना है, अगर आपको सोसाइटी में चेंज लाना है, तो ये तीन स्टेप्स हैं जिससे कि ये चेंज आ सकता है। पहला स्टेप ये है कि सिर्फ एक कम्युनिटी को ज्ञान देना बंद करो। अगर आपको ज्ञान देना है तो सारे कम्युनिटीज को ज्ञान दीजिए। जानवरों के जो राइट्स हैं वो सारे त्योहारों में मैटर करने चाहिए, सिर्फ एक त्योहार में मैटर नहीं करने चाहिए। और दिवाली जैसे एक छोटे पोल्यूशन के कॉन्ट्रीब्यूटर पे फोकस करना बंद कीजिए, और जो बड़े बड़े पोल्यूशन के कॉन्ट्रीब्यूटर्स हैं उन पे फोकस करना शुरू कीजिए। जैसे कि गाड़ियों का जो पोल्यूशन है, स्टबल बर्निंग जो है, कंस्ट्रक्शन का जो पोल्यूशन है, इंडस्ट्रीज का जो पोल्यूशन है, इन सब चीजों पे फोकस करना शुरू कीजिए। और तीसरा, चीजों को बैन करना बंद कीजिए। अगर आपको चीजों को कम करना है तो लोगों को इंसेंटिव देना शुरू कीजिए कि भाई आप पटाखों से हटिए और दूसरे तरीकों से दिवाली मनाइए। और मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि क्या आप इन तीन सजेशन से अग्री करते हैं या डिसएग्री करते हैं? क्या आप और सजेशन ऐड करना चाहते हैं? नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताएं। अगर आपको आज का एपिसोड पसंद आया हो तो प्लीज आज के एपिसोड को एक लाइक दें, एक थम्स अप दें। इससे मेरी बहुत मदद होती है, इससे शो की बहुत मदद होती है। और श्याम शर्मा शो का मर्च स्टोर जल्द ही लॉन्च होने वाला है, और मेरे पास कुछ बहुत अच्छे अच्छे डिजाइन आने वाले हैं जो मैं बहुत एक्साइटेड हूं आपके साथ शेयर करने के लिए। तो अगर आप श्याम शर्मा शो के मर्च स्टोर के बारे में और इन्फॉर्मेशन चाहते हैं तो जरूर श्याम शर्मा शो को सब्सक्राइब करें और फॉलो करें। अगर आपको श्याम शर्मा शो पसंद है तो नीचे श्याम शर्मा शो के एक पेट्रन बने, नीचे पेट्रन के लिंक पर क्लिक करके, अगर आपको आज का एपिसोड पसंद आया, अगर आपको श्याम शर्मा शो पसंद आया लेकिन आपने फिर भी अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, अरे भैया तो क्या कर रहे हैं, अब होली का वेट कर रहे हैं, होली में ज्ञान मिलेगा उसका वेट कर रहे हो, बटन पे क्लिक करो, सब्सक्राइब करो, बेल आइकॉन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलना। और हाँ, हमारे यहाँ और यहाँ और भी एपिसोड्स हैं, इनको भी जाकर देखिए, आपको जरूर पसंद आएंगे। मैं आपको अगले एपिसोड में मिलूंगा, और तब तक स्वस्थ रहें, सुखी रहें, और फिर मिलेंगे।